जय श्री कृष्णा। पुष्टि शृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गोप मास एवं व्रतचर्या का आरंभ हो चुका है, परंतु ये व्रतचर्या है क्या और पुष्टि मार्ग में गोप मास का क्या महत्व है, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्रज मार्गशीर्ष को माक्सर, अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है और श्रीमद् भागवत जी में प्रभु ने यह समझाया है कि सभी महीनों में से मार्गशीर्ष उनका ही स्वरूप है। प्रभु के बाल्यकाल में हेमंत ऋतु के प्रथम मास में यानी शीतकाल के प्रथम मास में जब सर्व गोपीजन प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, तब प्रभु ने इस मास का महत्व समझाया। व्रतचर्या यानी व्रत यानी तप। व्रतचर्या के दिनों में सर्व गोपीजन सूर्योदय पूर्व यमुना जी में स्नान करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं और यमुना तट पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये व्रत सर्व गोपीजन इसलिए करते हैं ताकि प्रभु उनके पति बन सके। और इस व्रत के अंत में जब सर्व गोपीजन यमुना जी में स्नान करते हैं तब प्रभु उनके वस्त्र हरण कर लेते हैं और जब वे सब गोपीजन प्रभु के लिए अपना प्रेम घोषित करते हैं तब प्रभु उनका स्वीकार करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि गोप मास के आरंभ से सेवा में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। माक्षर और पोष के महीनों में अधिक शीत होने के कारण सेवा में प्रभु सुखार्थ विविध नूतन पौष्टिक सामग्रियां आरोगाई जाती है और जड़ाऊ के श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। और कीर्तन में भी अब से खंडिता, मिशांतर, मान, हिलाग, व्रतचर्या, शीतकालीन चित्रसारी, रंग महल आदि के पद गाए जाते हैं। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र में रुई भरे गद्दल, फतवी, बंधे बंद के वागा आदि धराए जाते हैं। माक्षर यानी गोप मास और पोष यानी धनुर्मास, और इन दो महीनों में अधिक शीत होने के कारण अब से प्रभु निज मंदिर से बाहर नहीं पधारते और जो बाल स्वरूप नित्य पलना झुलाए जाते हैं उन्हें अब नित्य निज मंदिर में ही पलना में झुलाए जाते हैं। और इन दिनों में प्रभु का सेवा क्रम थोड़ा जल्दी होता है और अब से प्रभु की विविध घटा प्रारंभ होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और यदि हेल्पफुल लगा तो इसे अधिक से अधिक अपने साथी वैष्णव के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल पुष्टि शृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिएगा, सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्य जैसे कि शीतकालीन सुगंधी, शीतकालीन श्रृंगार, वस्त्र, पिछवाई वगैरह आपको हमारी वेबसाइट pushtishrangar.com से मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तीनों की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और हमसे जुड़ जाना है। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।